सॉइल का कट ऑफ क्या है, क्या सॉइल ज्वाइन करना वर्थ रहेगा। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रॉलिंग शतांक में। और हाँ सॉरी, माफ़ करिएगा, मैं बहुत देर से ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब बहुत देर से, मतलब कि बहुत डिले कर दिया मैंने इस वीडियो को बनाने में। एंड इसका कारण एक ही है कि कॉलेज शुरू हो गया था एंड कॉलेज के साथ एडजस्ट करना ये थोड़ा मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ, मैं भी एक्टिविटीज़ हैं कॉलेज के फेस्ट में, कॉलेज के एक्टिविटीज़ में ध्यान देना एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बताऊँगा आपको। बहुत सारे क्वेरीज थे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, एंड इनफैक्ट लोगों ने लिंक्डइन पर भी मुझे कॉन्टैक्ट करने को कोशिश करा। एंड सो मैं सबसे पहले उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाया प्रॉपरली, क्योंकि उन्होंने कुछ सोच कर ही मुझे कॉन्टैक्ट करा। मैंने ये वीडियो बनाया था पहले, सो ये मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं आगे इस चीज़ को बढ़ाऊँ कि कैसा कॉलेज है, क्या है, एंड मैं ये नहीं कर पाया प्रॉपरली। तो इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। आई होप कि आप लोग मुझे माफ़ कर दोगे, बट टू बी ऑनेस्ट मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ कि जितने क्वेरीज थे इतने सारे मैसेज का रिप्लाई करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल था, एंड हर एक को अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना भी नेक्स्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि आप अपने वक्त के हिसाब से कॉन्टैक्ट करोगे। अगर आप पूछ भी लो तो शायद मैं उस वक्त अवेलेबल ना रहूँ, इन केस अगर कॉलेज के असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, कॉलेज के कुछ अलग कुछ काम हुआ तो उस हिसाब से। सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब प्लेटफॉर्म बेस्ट है इस चीज़ के लिए कि एक बार में आप सबके क्वेरीज दूर कर सकूँ। एंड इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने मैसेज जो करा है उन सबको फिर से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि बहुत सारा मैसेजेस था दोस्तों, बहुत सारा, एंड हर एक को मैं रिप्लाई करने जाता तो वो ज़्यादा टाइम लगता। बहरहाल मैं वीडियो बना दूँ उससे अच्छा आप अपने वक्त के हिसाब से रिप्लाई करोगे, मैं अपने वक्त के हिसाब से रिप्लाई करूँगा, बात ठीक से नहीं हो पाएगी। एट द एंड आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ही लोगे एंड मुझे शेयर करने में कोई इशू नहीं है, बट हाँ एट द एंड वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाए टाइमिंग, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है वहाँ पे, मतलब मैं आपसे ठीक से बात ना कर पाऊँ, मैं बाहर हूँ, आपको लगे कि ये ठीक से बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ अभी, एंड जैसा कि आप देख रहे हो ये सारे क्वेरीज़ हैं, एंड इन सभी क्वेरीज़ को मैं कोशिश करूँगा कि मैं दूर कर सकूँ या सॉल्व कर सकूँ, या आपको कुछ प्रॉपर आंसर मिल पाए जो आपकी क्वेरी हैं। एंड तो इसी के लिए, बट मैं पहले बता दूं आपको कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं कि आपको प्रॉपर सॉल्यूशन या प्रॉपर आंसर मिले इस चीज़ का। मैं जो भी कहूंगा अपने इतने मंथ के जो एक्सपीरियंस है मेरे, वो ही कहूंगा आपसे। एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकता हूं अभी फ़िलहाल, बिना किसी क्वेरी को उठाए, कि सॉइल एक अच्छा कॉलेज है, ग्रो कर रहा है ये कॉलेज, स्टूडेंट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं आपके खुद को, क्योंकि इसके करिकुलम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप खुद को जानोगे। जब आप एक्सपीरियंशियल फ्राइडेज एंड आप जब अनिल सर की क्लासेस लोगे, अनिल सचदेव सर जो इस कॉलेज के मेन ओनर हैं, उनके बेटे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर साहिल सचदेव सर, सो उनके अंडर में ये कॉलेज है। एंड मिस्टर अनिल सचदेव सर जब आते हैं, जब यहाँ पे हमें गाइड करते हैं, तो वो बहुत ही अलग होता है। आप खुद को जानते हो, आप अपने सराउंडिंग को जानते हो, और इनर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, योगा, ये सब इस करिकुलम का पार्ट है। अभी फ़िलहाल जैसे हमारा एनजीओ विजिट्स चल रहे हैं, तो हम लोगों के बीच जा कर के उनके परेशानी को जान रहे हैं, मार्केट में कैसे क्या हो रहा है। आप हर तरीके से सॉल्व कर सकते हो, हर तरीके से सोच सकते हो कि आप लोगों के बीच में जाते हो, आप किसी एनजीओ में पहुँचते हो तो उनके क्या परेशानी है, वो कैसे करके ओवरकम कर रहे हैं, उन पर क्या हेल्प कर सकते हो, आप सोसाइटी को क्या दे सकते हो एट दी एंड। आप वो चीज़ मेन है जो इस करिकुलम में है, और ऐसे बहुत सारे कॉलेज शुरू कर रहे हैं, बट ये कॉलेज का बेस, इस कॉलेज के रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैं यही कहूँगा कि वर्थ है ये कॉलेज, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि सॉइल ज्वाइन करना वर्थ होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल वर्थ है ज्वाइन करना, हाँ अगर आपका IIMs एंड ऑल कुछ लग जाता है, बड़े बड़े कॉलेज और भी जो हैं, जैसे IIM ABC या फिर MBI, इन सब कॉलेज में होता है तो अलग बात है, बट इन केस अगर आपका नहीं होता तो आपको दुखी भी नहीं होना है। सॉइल बहुत ही अच्छा कॉलेज है, और मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने खुद को एक्सप्लोर करा है यहाँ करके, और अभी भी कर रहा हूँ। आप जो भी डोमेन लेना चाहते हो, आप एनालिटिक्स लेना चाहते हो, आप HR लेना चाहते हो, आप मार्केटिंग लेना चाहते हो, आप कोई भी डोमेन लेना चाहते हो, यहाँ पर फैकल्टीज़ आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। जैसे मैं स्पेशली HR के लिए आया था, एंड टू बी ऑनेस्ट HR के लिए यहाँ पर फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे। हर
डोमेन के लिए अलग अलग एकेडमीज़ बनी हुई हैं, आप उन एकेडमीज़ को ज्वाइन कर सकते हो एज अ प्रेसिडेंट, एज अ वाइस प्रेसिडेंट, और बहुत सारी पोजीशंस हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग कमेटीज़ हैं, तो कल्चरल कमेटी हैं, सॉइल मीडिया कमेटी हैं, बहुत सारे अलग अलग और कमेटीज़ हैं। आप ख़ुद को इतना एक्सप्लोर करोगे, आप हर चीज़ में जा सकते हो, क्योंकि इतने अलग अलग वर्कशॉप्स होते हैं जो मैंने आपको बताया अभी एक्सपीरियंशियल फ्राइडे। जैसे कि मैंने एक्सपीरियंशियल फ्राइडे का एक वीडियो शेयर किया है, ये आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे लगता है हमेशा, जो मेरे लिए, कि अगर सॉइल के पास अपना हॉस्टल भी होता तो और मज़ा आता, क्योंकि जिस हॉस्टल में मैं रह रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो ये बिल्डिंग को, ये इन्होंने लीज पर लिया है। इनमें अभी हम लोग कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं और कुछ जो है अभी फ्लैट्स वगैरह लेके रहते हैं। एंड इट्स अप टू यू कि आप कैसे रहना चाहते हो। अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो, आप हॉस्टल ले सकते हो। बहुत सारे क्लॉज हैं इनके, वो आपको देखना होगा, आप अपने हिसाब से देख सकते हो वो चीज़। सो मैंने इंस्टाग्राम खोला हुआ है अभी अपने लैपटॉप पे, जो स्टॉलिंग शुदांग वाले पेज पे देख रहा हूँ कि 20 रिक्वेस्ट हैं अभी सिर्फ और सिर्फ सॉइल के रिगार्डिंग। सो साक्षी शर्मा, अनिकेत नेगी, अदिति चाबड़ा, कुश, अनुप बंसल, शिवांगी, कर्ण एंड प्रियांग, शमिष्ठा रॉय, हर्ष सेगल, आकर्ष कोहली, अंशुमन शर्मा, ऋतिक राज, सॉरी मैंने अगर किसी का नेम प्रोनाउंस गलत करा हो तो सॉरी। बट इन सब के क्वेरीज़ को देखने के बाद मैंने जब फ़िल्टर करा क्वेरीज़ को, तो उनमें से सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन ये था, सॉइल का कट ऑफ क्या है। सो टू बी ऑनेस्ट, सॉइल का कट ऑफ अभी तक रिवील नहीं किया गया। दूसरा क्वेरी ये था, क्या सॉइल ज्वाइन करना वर्थ रहेगा। बिल्कुल वर्थ रहेगा, अगर आपका आईएम्स वगैरह में नहीं हुआ है और भी बड़े जो टॉप नॉच कॉलेजेस हैं उनमें नहीं हुआ है और आपको साल बर्बाद नहीं करना है, तो आप सॉइल ज्वाइन कर सकते हो। तीसरा ये था कि मैं एक फ्रेशर हूँ तो क्या मेरे लिए सही रहेगा। बिल्कुल सही रहेगा, यहाँ पर बहुत सारे फ्रेशर्स हैं और एक डाइवर्सिटी बनी हुई है, एक अच्छी डाइवर्सिटी है कि कुछ लोग जो एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, बहुत सारे लोग फ्रेशर्स हैं। चौथा ये था कि जीडी में क्या आने वाला है, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जीडी एक ऐसा चीज़ है जो आपको रीसेंट टॉपिक से रिलेटेड या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जिससे कुछ वर्ल्ड को इफ़ेक्ट पड़ा हो, कुछ सोसाइटी को इफ़ेक्ट पड़ा हो, उस चीज़ों को लेकर के हो सकता है, या इंडिया में ऐसी चीज़ें हो रही हों, रिसेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इनोवेशन वर्सेस इन्वेंशन विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो ये भी एक टॉपिक हो सकता है आपका, कुछ भी टॉपिक हो सकता है। सो आपको ये चीज़ सोच के रखना कि जीडी के टॉपिक्स क्या होंगे, उससे अच्छा है कि आप ख़ुद को अपडेट रखो। और मैं अभी कोशिश करूँगा कि मेरे कुछ बैचमेट्स, उनसे कुछ पूछूँ, उनके एक्सपीरियंस शेयर करवाऊँ उनसे, और उनसे भी शेयर करवाऊँ जिनको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिला है, स्कॉलरशिप के लिए क्या करना पड़ता है, वो मैं कोशिश करूँगा वो करूँ। और हो सके, अगर पॉसिबल हुआ, अगर सीनियर्स के पास टाइम रहा, तो मैं एक दो सीनियर्स से भी बात करूँगा जिनका प्लेसमेंट हुआ है और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है सॉइल में। तब तक के लिए, इन क्वेश्चंस के लिए मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था आपको, सॉरी, बट मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि कॉलेज ज्वाइन करना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। आपके घर वाले पैसे लगाते हैं इसमें, आपका एक करियर बनता है, एंड नो डाउट ये आपको पूरा हक है, मुझे भी है जानने का, अगर मैं कुछ करता हूँ आगे तो, कोई भी जगह जा रहा हूँ मैं, तो वो वर्थ है कि नहीं। सॉइल अभी तक मुझे लगता है कि वर्थ है, एज अ फ्रेशर, एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये वर्थ है मेरे लिए। एंड बाकी ऊपर नीचे तो हर कॉलेज होता है, एंड हर कॉलेज में कुछ ना कुछ परेशानी होती है, एंड उस चीज़ों को, उन चीज़ों से आपको खुद डील करना पड़ता है। एंड आप जब भी यहाँ आओगे तो आप समझ जाओगे क्या कह रहा हूँ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जीडी, फॉर योर पीआई, एंड उन लोगों को भी जो और अदर कॉलेजेस के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, और ऑल द बेस्ट जो और भी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करना, अगर आपकी कोई और प्रॉपर क्वेरी हो तो आप अपनी क्वेरी को वीडियो के एंड में कमेंट कर देना, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि अगर हो पाए तो मैं उन चीज़ों पे अलग से वीडियो बना सकूँ, और अगर वीडियो ना बना पाया तो आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँ और आप तक पहुँच सकूँ। थैंक यू, एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना, और शेयर तो बिल्कुल करना।